अभी नहीं, कुछ दिन और चुप रहना होगा आपको। मैं और चुप नहीं रह सकता, और ना ही आपके घर वाले चुप रहने वाले हैं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई दारजी की वसीयत के बारे में मुझसे जरूर पूछेगा। देखिए आप मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैं जल्दी आपको मिलता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, क्या कहा उसने? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तुम चाहो तो अपनी बेटी को बुला सकती हो। बेटी के बारे में नहीं, फिलहाल बेटे के बारे में सोचो। रज्जी तो आ गई है, सोहम अभी तक नहीं आया। यही तो टेंशन है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। बट आई विल मेक श्योर दैट इट कम्स। मैडम जी, सोहम जी आपसे मिलने आए हैं। क्या, कहाँ है वो? वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और अंदर आने से मना कर रहे हैं। ठीक है, क्यों आए आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यही बात तो मैं तुझे समझाने आया हूँ कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। एक भरा पूरा परिवार छोड़ के तू यहाँ कैसे आ सकती है? अरे यहाँ तो तेरा कोई अपना भी नहीं है, और वहाँ वीर जी, पापी, पुआ, कुकी, मैं, हम सब है वहाँ। पर तूने तूने बस एक मिनट लगाया सब रिश्ते तोड़ने में। क्यों रची, क्यों किया तूने? मैं अपने आने की वजह वहां सबको बता चुकी। अगर आप फिर भी मुझसे दोबारा ये सब कुछ पूछेंगे तो शायद मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझूंगी। ठीक कह रही है, नहीं जरूरी, तेरा जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं, पर दूसरों को तकलीफ देना बड़ा जरूरी है तेरे लिए। अरे किसी और के बारे में ना सही, पर कम से कम पापी के बारे में सोचा होता। उस बेचारी ने इतने सालों से इस दिन का, इस खुशी का इंतजार किया, और तूने तूने बस एक ही झटके में उनकी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद, अपनी मर्जी। देख रज्जी, मैं तेरे साथ बहस करने नहीं आया, तुझे बताने आया हूं कि जो तू कर रही है गलत कर रही है, और इस बार मैं अपने परिवार के साथ गलत नहीं होने दूंगा। तो चल यहां से, तेरा यहां रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो चल यहां से। जरूरत है, वही जरूरत पूरी करने इस घर में आई हूं। अरे अगर आपको नहीं रहना है इस घर में तो कम से कम अपना फैसला मुझ पर तो मत थोपो, क्योंकि ना अब मुझे आपके साथ रहना और ना आपकी जरूरत है। बस कर रज्जी, बस कर, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। तेरे तो जो मन में आता तू वही करती है, एक बार सोचती तक नहीं कि दूसरे इंसान के मन पे क्या बीतती होगी। कल तू ही आई थी ना मचान पे मुझे समझाने कि चाहे मुझे मेरे परिवार की जरूरत नहीं है पर मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। आज वही बात मैं तुझे समझाने आया हूँ कि चाहे तुझे उस परिवार की जरूरत नहीं है पर उस परिवार को आज तेरी जरूरत है। पर मेरे बच्चे को इस घर की जरूरत है। मैं वही रहूंगी जहाँ मेरे बच्चे की खुशी होगी। वो किस खुशी की बात कर रही है तू? ऐसा क्या है यहाँ जो हम नहीं दे सकते? देख रज्जी, पापी ने कहा है ना तुझसे, जैसा तू कहेगी वैसा होगा। हम दिन रात एक कर देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पर अपने बच्चे पे कोई आंच नहीं आने देंगे। तू बस मेरी बात सुन रज्जी, ना तो मुझे किसी कमी को देखकर उसकी शिकायत करनी है और ना ही उसके पूरे होने का इंतजार। मैं यही रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला।
किस बात का आखिरी फैसला? अरे एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो एकदम से तूने तूने अपना मन ही बदल लिया? मैंने अपना कोई मन नहीं बदला है। हाँ, मन नहीं बदला, पर सजा देने का तरीका बदल लिया है। सब समझ गया, तुझे सारा गुस्सा सिर्फ उसी रात का है। उसी रात का है ना, जिस रात तू मचान पे मेरे पास आई थी। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं जानता हूँ, तो उसी रात की वजह से ये सब कुछ कर रही है। पर एक बात बता, मैंने उस रात तेरे साथ जबरदस्ती की थी क्या? जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी मर्जी नहीं थी क्या? मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे कितनी बार माफी मांगू उस रात के लिए, कहा ना होश में नहीं था। अरे बात होश में रहने या नहीं रहने की नहीं है। हाँ, साथ में रात गुजारने की है। हो गई गलती, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ जाके, क्या करूँ तू बता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत याद दिलाओ मुझे। वही याद करके तू यहाँ आई है। क्या गलती की मैंने? सिर्फ तेरे साथ साथ रहकर वाली बोलेगी। मेरे पति ने मेरे साथ रात गुजारने की गलती नहीं की थी, उसने गलती की थी मेरे साथ होते हुए भी मेरी बहन का नाम लेने की, जिससे वो प्यार करता था। शायद हमेशा करता रहे। रात भर मैं अपने पति के साथ थी और सुबह उसने नाम लिया। बानी, बानी, तो क्या कह रही है रज्जी? बानी का नाम मैंने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रज्जी तुझे कोई गलती लगी है? ऐसा हुआ है सो, उसके साथ हुआ है, जिसका जिसका पति था तो रात भर उसके साथ, लेकिन सोच किसी और के बारे में रहा था। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मैं गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि मैं उस रात के लिए शर्मिंदा थी? नहीं सो, मैं उस रात के लिए शर्मिंदा नहीं थी जो हमने एक साथ गुजारी थी। मैं उस रिश्ते के लिए शर्मिंदा नहीं थी जो उस रात मैंने आपसे जोड़ा था। मैं उस कदम के लिए शर्मिंदा नहीं थी जो उस रात हमने एक दूसरे की तरफ बढ़ाए थे। अरे मैं तो शर्मिंदा थी उस सुबह पर जब आपके करीब मैं थी, आपकी जुबान पे नाम तो माने का। मुझे लगा था कि शायद शायद आपके दिल से माने के लिए प्यार कर दो, पर नहीं, नहीं, यही वजह है कि उस रात के बाद मैं आपसे अलग रहने लगी। अरे नहीं लगता आपसे बात करना अच्छा, मुझे नहीं रहना आपके साथ। और क्या कहा था आपने कि मैंने एक ही रात में अपना मन बदल लिया? परसों उस रात में तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, पूरी जिंदगी बदल दी उस रात में, जिस रात के बाद हम दोनों को एक दूसरे के और करीब आ जाना चाहिए था, हम लोग एक दूसरे से और दूर चले गए। रज्जी मेरी बात सुन ले। मैं यहाँ आपका कोई नहीं है सोम, इस
इसलिए आप यहां कभी मत आना, क्योंकि अब मैं भी आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। दुखे बड़ा दिल हाय प्यार में पता नहीं था यारा, प्यार नहीं है अगर फिर क्यों लगे कि मैं कुछ हारा। किसको दूं इल्जाम दिल ये खुद इस जाल च फंसया, इश्क के रंगिया हाय रंगिया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगिया, ओ इश्क के रंगिया हाय रंगिया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगिया। और सुबह उसने नाम लिया पाली। मैं उस कदम के लिए शर्मिंदा नहीं थी जो उस रात अपने एक दूसरे की तरफ बढ़ाए थे। अरे मैं तो शर्मिंदा थी उस सुबह पर जब आपके करीब मैं थी और आपकी जुबान पे नाम तो मान नहीं लिखा। जैसे इंसान से प्यार नहीं बस नफरत की जा सकती है। मैंने तेरा दिल दुखाया, कितने दुख दिए तुझे, और तूने तूने अपने दुख कभी किसी को नहीं बताए। मुझे माफ कर दे रज्जी, माफ कर दे। जो दूरियां मेरी वजह से आई है ना, उन्हें अब दूर भी नहीं करूंगा। याद है रजी, सर्दियों में बीजी पिनिया बनाया करते थे और हम सारी चोरी चोरी खाते थे। और याद है गाजर का हलवा कितना बनता था सर्दियों में, कितना मजा आता था ना तब। सच्ची है। तुझे तो नान खटाई भी बहुत पसंद है ना। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ, थोड़े दिन पहले ही बनाई है मैंने। रुक,
यहाँ क्या कर रहे? मैंने आपको कहा था ना कि मुझसे मिलने मत आना। रज्जी, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। देख, मुझे पता लग गया है कि मेरी गलती क्या है और मैं उसे सुधार भी लूंगा। तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा, बस तू मेरे साथ कार चल। मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मुझे उस घर में नहीं आना है। मैं अपने बच्चे के लिए इस घर में आई हूं और अब यहीं रहूंगी। ऐसा मत बोल रची, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे। देख, एक बार तो भगवान भी मौका देता है, तो मुझे बस एक मौका और नहीं दे सकती? देख रची, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए, पर उसके लिए तुझे घर तो चलना पड़ेगा ना। तू कुछ मत सोच, चल मैं तुझे वापस ले जाने आया हूं, तू चल। अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है सौ, हमारे रिश्ते की डोर में एक गांठ पड़ चुकी है जो हमें जिंदगी भर चुभती रही। वैसे भी अब मुझे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है, उसी के लिए जीना है और इस घर में रहना है। तो ठीक है, तू ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रही है ना, पर मैं तुझे इतना बता दूं कि वो बच्चा मेरा भी है और अपने बच्चे की परवरिश मैं उसके बाप के बिना नहीं होने दूंगा, इसीलिए अब मैं भी यहीं रहूंगा। तेरे साथ यहां रहकर अपने बच्चे की परवरिश करूंगा, और जब तक तू मुझे नहीं बोलेगी ना, तब तक मैं तुझे वापस कार नहीं लेकर जाऊंगा। तेरे साथ यहीं रहूंगा मैं। नहीं सोम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? तू अपने बच्चे का सहारा ले सकती ना मुझसे दूर जाने के लिए, तो मैं भी अपने बच्चे का सहारा ले सकता हूँ तेरे पास आने के लिए, और मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। जा रहा हूँ मैं कर वालों को बताने और अपना सामान लेकर यहाँ तेरे पास आने। सोम, सोम प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाय रब्बा, अब क्या करूं? हेलो, सत श्री अकाल बुआ जी, मैं रज्जी बोल रही हूँ। बुआ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। रज्जी, तूने चाहे हमसे कोई रिश्ता ना रखा हो, और हम आज भी तुझे अपना मानते हैं। बोल बोल, क्या काम है? बुआ जी, सोहम को इस घर में मत आने देना। मैं इस घर में हूँ, लेकिन सोहम को इस घर में आने से रोकना होगा। तू फिकर मत कर रज्जी, मेरा सोहम वहां कभी नहीं आएगा। तूने अपने लिए जो ठाट बाट की जिंदगी चुनी है ना, उसमें हम कोई रुकावट नहीं आने देंगे। फोन रखती हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बुआ जी। कहाँ था तू? कहाँ गया था? बुआ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ना तू मुझे बताए ना बताए, पर मैं सब जानती हूँ। रज्जी कार छोड़ के पुलरों के कार में चली गई, तो तू वहां जाना चाहता है? वहां रहना चाहता है तू? नहीं सोहम, तू वहां नहीं जाएगा। सुन रहे हैं? ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दे तू। नहीं बुआ जी, मैं वहां जाऊंगा। सोहम, जब तू बलबीर पुल्लर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो उनके लोगों से क्या रिश्ता निभाएगा तू? तू वहां नहीं जाएगा, वहां कोई नहीं है तेरा। है वहां मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है वहां। हाँ, तो उसका ख्याल रखने के लिए भी वहां लोग हैं,
उसकी बड़ी बहन है वहाँ। बलबीर पुल्लर का पूरा परिवार है और वो खुद अपना ख्याल रख सकती। पर मैं उसका पति हूँ और मेरा भी कोई फर्ज बनता है और उसी के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू वहाँ नहीं जाएगा बस। मुझे भी कोई बात नहीं करनी है बुआ जी, बस मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? इतनी फिकर क्यों कर रहा है उसकी, जिसे तेरी जरूरत ही नहीं है? क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। जिंदगी है वो, मैं उससे प्यार करता हूँ।